दिल्ली का वजीराबाद इलाका अब चोरों के लिए लूट व चोरी के लिए सबसे पसंदीदा इलाका बन गया है। वजीराबाद इलाके में बीते 10 दिन में लूट व चोरी की तीसरी वारदात है। बदमाश रात के अंधेरे में दुकान का शटर तोड़कर नकदी व सामान चोरी कर फरार हो गए। घटना की सूचना वजीराबाद पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस व क्राइम टीम मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल कर रही है। दुकानदारों का कहना है कि इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती, जिसकी वजह से चोरों के हौसले बुलंद है। चोर व बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर लूटने, स्नैचिंग, लूट, रॉबरी और चोरी जैसी आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। मुझे ये चाय वाले हैं, मेरे बराबर वाले, इन्होंने सुबह 6 बजे के करीब कॉल करके बताया कि भैया आपकी दुकान का शटर टूटा हुआ है। और सर जब मैं आया ना, इसमें 20 से 25 हज़ार रुपये तो कैश था, एक तो वो गायब है। और दूसरी बात सर, जब मैंने कॉल करी है PCR को, PCR वाले आए हैं और भी पुलिस वाले आए हैं, इन्होंने देखा है। और बाकी सर क्राइम वाले भी आए थे इसमें। पर सर मैं ये कह रहा हूँ, अभी मेरे यहाँ 3-4 चोरी हुई हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। और सर मेरी अपनी खुद की हो गई है, मैं चाहता हूँ इसमें जो है ना सर कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द हो और मुझे पता लगे ये किसने काम करा है। और सर मेरी एक रिक्वेस्ट और है सर, इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा इस समय क्राइम हो रहे हैं और इस पर मेरी थाने साहब से और SSO साहब से रिक्वेस्ट है सर, इस पर बहुत ज़्यादा सख्ती से कार्रवाई करें। देखा जा रहा है पिछले 10 दिन के अंदर तीसरी चौथी दुकान का ताला टूटा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, मैं ये कह रहा हूँ सर, थोड़ा सा यहाँ जो बीट वाले और जो यहाँ का प्रशासन है ना सर, वो थोड़ा सख्त नहीं है सर, बिल्कुल लापरवाही बरती जा रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वजीराबाद थाना पुलिस अब इन चोरों की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक इस चोरी से 2 दिन पहले हुई लूट की कोशिश और फायरिंग में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कितनी जल्दी वजीराबाद में अपराध करने वाले अपराधियों तक पहुंचती है। दिल्ली से नवद टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।